हेलो एवरीवन, दिस इज अमर जायसवाल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स बाय अमर आनंद। सो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिस मॉक्स पे अभी एक लाइव टेस्ट आया हुआ है उसका मैं मैथमेटिक्स का पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। तो चलते हैं अपने वीडियो पे। सो गाइस, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। यू कैन सी विच एग्जाम आई हैव क्वालिफाइड। सो बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो अभी तक ये टेस्ट नहीं लगाया हो, पहले जाके आप ये टेस्ट लगा लो। आज डेट है 8 तारीख, मतलब ये टेस्ट 7 और 8 तारीख को लाइव था। उसके बाद आप इसे आप देख सकते हो आपको किस किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, तो आप सीख सकते हो, ठीक है। मैं लगातार ही क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आपने टेस्ट दे रखा है तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप उस क्वेश्चन को देख सकते हो। सो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है टाइम एंड वर्क का, ठीक है। इसमें कह रहा है मनन और निकिता साथ में 36 दिनों में काम कर सकते हैं। तो कौन कौन है, देखो भाई, मनन है और कौन है, निकिता है। ये दोनों मिलके 36 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। जबकि निकिता और ओजस ये दोनों मिलके उसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं टोटल वर्क निकालू, 36 और 60 का एलसीएम जो होगा वो 180 हम लोग मान सकते हैं। 36 × 180 होता है, ये डायरेक्टली आप लोग को मल्टीप्लीकेशन याद होना चाहिए। तो इन दोनों का कंबाइंड जो इफिशियंसी हो गया 5 हो गया, और इसका कंबाइंड इफिशियंसी क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब मैं आगे पढ़ता हूँ क्या कर रहा है। यदि मनन का जो इफिशियंसी है और ओजस की तुलना में जो इफिशियंसी है 3 गुना है, मतलब इफिशियंसी का रेशियो मनन और ओजस का क्या है, 3:1। ये हमारा इफिशियंसी का रेशियो है, राइट। तो हम लोग को यहाँ से मनन और ओजस का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। ये निकालने के लिए अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दू, देखो यहाँ से निकिता का जो इफिशियंसी है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, मनन माइनस ओजस इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ गया, 2, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं देखू जरा इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आ रहा है भाई, 2 आ रहा है। मतलब ये मनन और ओजस का जो इफिशियंसी का जो डिफरेंस यहाँ 2 है, तो ये 2 यूनिट इज इक्वल टू 2 यूनिट आया। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट, राइट। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ओजस की जो इफिशियंसी होगी वो होगी 1 और मनन की जो इफिशियंसी होगी वो क्या होगी, 3। तो यहाँ से हम लोग निकिता की भी इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो निकिता की जो इफिशियंसी हुई वो क्या हो गई, 5 में से मनन की इफिशियंसी घटा देते हैं, तो 5 में से 3 गया है तो क्या हो गया, 2 हो गया। पूछा क्या जा रहा है वो देख लेते। तो निकिता अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर सकती है, तो पूरा काम कितना है भाई, 180, और निकिता का इफिशियंसी हम लोगों ने क्या निकाला है, 2 से डिवाइड अगर देंगे तो क्या आ जाएगा, 90 दिन हमारा आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो, मई में दुकानदार द्वारा बेचे गए मोबाइलों की संख्या, तो मई में बेचा गया संख्या जो है, तो ये तो दिख भी नहीं रहा, 1 मिनट जरा बड़ा करता हूं। तो मई में देखो, नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय द शॉपकीपर इन मई, मई में कितना बेचा गया भाई, 265। तो मई में जो है बेचा गया है, सॉरी, 264, ठीक है। हाउ मच परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय हिम इन फरवरी, तो फरवरी में कितना बेचा गया, 224। तो फेब में बेचा गया है 224। तो पूछ रहा है कि मई में बेचा गया मोबाइल जो है फरवरी में बेचे गए मोबाइल से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक कितना है, 0 और 4, 40 अधिक है। किससे कंपेयर करके निकाला जाए, फरवरी से कितना अधिक है, तो नीचे क्या आएगा, फरवरी का टोटल अमाउंट इन टू 100%, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 4 × 40, 4 × 4 = 20 और 4 × 6 = 24। फिर ये 4 से कट सकता है, ठीक है, 4 से काटते हैं, 14 × 6 = 56, 4 से ये हो गया 25 बार में, ये फिर 2 से कट सकता है, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, मतलब हो गया 125/7, तो 7 × 7, फिर 7 × 7 = 49.0, 7 × 8 = 56, 17.8 के आसपास आ रहा है, तो यही आंसर होगा, 17.85। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राहुल ने एसएससी सीजीएल 2021 परीक्षा में भाग लिया और कुल अंकों में से 81% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा के कुल अंक 200 है, तो 200 का 81% मतलब 81/100, तो 80 × 160, 162 आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है 360 मिलीलीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:4,
देखो 360 मिलीलीटर का मिक्सचर था, जिसमें हमारा मिल्क और वाटर किस रेशियो में है, 5:4 रेशियो में है, ठीक है। अब कहा गया है इफ एक्स लीटर ऑफ ईच ऑफ मिल्क एंड वाटर इज एडेड इनटू इट, क्या किया जा रहा है, इसमें भी एक्स लीटर ऐड किया जा रहा है मिल्क और एक्स लीटर वाटर, सॉरी एक्स लीटर वाटर और एक्स लीटर मिल्क जो है इसी में ऐड किया जा रहा है, ठीक है। एक्स मिलीलीटर ऑफ ईच मिल्क एंड वाटर इज एडेड इनटू इट, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर बिकम 8:7। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो जाता है, नया रेशियो क्या हो जाता है, 8:7। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालो, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 7 गया 1। जब ये डिफरेंस सेम रहे तो हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं, अलग से कोई भी चीज मल्टीप्लाई नहीं करना है। फिर क्या करना है, इसमें से इसको डिफरेंस निकालना है, इसमें से इसका, ठीक है। ये डिफरेंस कितना का भाई, 3, इधर भी डिफरेंस देख लो 3 का ही आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस 3 जो है, ये 3 जो है ना हमारा x के बराबर है, 3 किसके बराबर है हमारा x के बराबर है, x का जो भी वैल्यू होगा वो 3 के बराबर होगा, 3 यूनिट के बराबर। अब हम लोग ये यूनिट, 3 यूनिट क्या निकलेगा, देखो इनिशियली 360 लीटर था ना, उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या था, 5:4, तो ये 5 और 9, इस 9 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 360, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 40, एक यूनिट का वैल्यू 40, तो इस 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 40 दिया 120। एक मिनट गाइस, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं जो एक्स्ट्रा जो मिलाया गया इसमें मिल्क का अमाउंट वो भी 120 मिलीलीटर था, और वाटर का अमाउंट वो भी कितना था, 120 मिलीलीटर। इसको दूसरे तरीके से हम लोग बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं वो भी देख लेते हैं बेसिक मेथड से। 360 लीटर था ना, तो इनिशियली 5 और 4 के रेशियो में इसमें क्या था, मिल्क और वाटर था, तो 5 4 कितना हो गया, 9 यूनिट, 9 यूनिट 360 के बराबर, 1 यूनिट हो गया 40 के बराबर। इसका मतलब 5 यूनिट का बिल नचा के 200 मिलीलीटर हमारा मिल्क हो जाएगा, और 4 यूनिट का वैल्यू 160 मिलीलीटर, 160 मिलीलीटर क्या हो गया, वाटर। अब इस 200 मिलीलीटर में x लीटर वाटर मिलाया गया, और 160 मिलीलीटर में भी x मिलीटर मिल्क मिलाया गया, यहाँ वाटर मिलाया गया, तो फिर जो नया रेशियो बना वो 8:7 बना। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको, 1400 + 7x बराबर 16 + 8 = 128 + 8x, x को इधर भेजो इसको उधर भेजो, तो 1400 में से 1200 सी गया तो 0, और 9 में से 8 गया तो 1, 0, 10 में से 8 गया 2, और 120 बराबर इधर हो गया x, तो x बराबर कितना आ गया 120। तो एक्स्ट्रा जो हम लोग इसमें x लीटर मिल्क मिला है या x लीटर वाटर मिला है उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, देखो मूलधन मान लेते हैं हम लोग P, मूलधन क्या मान लेंगे हम लोग P, तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, P इंटू आर, सॉरी R तो नहीं मालूम है ना, P इंटू आर इंटू टाइम मालूम है 5 वर्ष / 100, तो ये 5 वर्ष का हम लोग का क्या निकल गया, ये 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकाला, तो यानी यहाँ बोला हुआ है 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25%, 25% मतलब 25/100, 1/4 भी लिख सकते हैं, तो इसके बराबर था। यहाँ से सॉल्व कर देखते हैं क्या निकलता है, P से P कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 से ये 5 बार में कैंसिल हो गया, मतलब R जो निकल गया वो हमारा 5% आया, क्या आया, 5%। तो बोला है तो कितने वर्षों के बाद ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, अब यहाँ बोल रहा है टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है, और इस टाइम में कह रहा है कितने वर्षों बाद ब्याज और मूलधन बराबर हो जाएगा, तो ब्याज और मूलधन, तो ये देखो हमारा जो मूलधन था वो पी था, और ब्याज निकाल लेते हैं तो पी इंटू आर निकल चुका है 5 × टाइम निकालना है 100 हो जाएगा, तो यहाँ पी से पी कैंसिल हो गया, 5 से 20 बार में कैंसिल हो गया, राइट, तो टी बराबर कितना हो गया 20 साल, तो 20 साल में क्या हो जाएगा, मूलधन और ब्याज बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है 2 कार ए और बी लीव्स दिल्ली एट 8:25 AM एंड 10:40 AM। चलो दिल्ली से 2 ट्रेन स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये रेलवे लाइन है, ठीक है, एक जो है ना 8:25 AM में स्टार्ट हुआ, और दूसरा जो है वो 10:40 AM पे यहाँ से स्टार्ट हुआ, राइट। जो ये पहली ट्रेन थी इसका जो स्पीड था ना वो था मात्र 40 किलोमीटर/आवर, और दूसरी जो बाद में चली उसका स्पीड था 52 किलोमीटर/आवर, ठीक है। तो पूछ रहा है हाउ मेनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली विल 2 कार्स मीट टुगेदर, मतलब मान लो ये पहले जो कम स्पीड वाली गाड़ी थी वो पहले चली, बाद में तेज वाली गाड़ी चली,
तो ये तेज वाली गाड़ी जो है कहीं ना कहीं जाके स्लो चलने वाली गाड़ी को यहाँ पकड़ लेगा, राइट। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इस जो ये जो छोटी वाली गाड़ी है ये 10:40 AM पे कहाँ पहुंचेगी पहले ये निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले टाइम का अगर डिफरेंस देखे तो 8:25 से पहले हम लोग अगर 10:25 पे जाए तो यहाँ से कितना घंटा हो गया, 2 घंटा। और 10:25 से अगर हम लोग 10:40 पे आए तो 15 मिनट। तो 15 मिनट को अगर घंटा में निकालते हैं तो 1/4 मतलब हो गया ये 9/4 घंटा, ठीक है। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम लोग पहले। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड। स्पीड है हमारा 40 और टाइम हो गया 9/4 घंटा। तो ये हो गया 90 किलोमीटर। क्या हो गया, 90 किलोमीटर। इट मीन्स अगर ये रेलवे ट्रैक है तो 10:40 पे ये डिस्टेंस तो 90 किलोमीटर हो गया। छोटी वाली गाड़ी यहाँ होगी, छोटी मतलब कम स्पीड वाली गाड़ी यहाँ होगी, और ज्यादा स्पीड वाली गाड़ी कहाँ होगी, यहाँ होगी। इसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ रिलेटिव स्पीड लगेगा, क्या लगेगा, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, ये जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम लोग लेते हैं 90 बराबर स्पीड का डिफरेंस। स्पीड का क्या होगा, डिफरेंस होगा। स्पीड का डिफरेंस कितना हो गया, 12 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम। टाइम हमें नहीं मालूम है, टाइम निकल जाएगा यहाँ से। तो 6 से कट रहा है ना, 6 × 2 = 12, 6 से यहाँ 15 हो गया। तो t बराबर कितना हो गया बताइए, ये हो गया 7.5 आवर। क्या हो गया, 7.5 आवर। 7.75 घंटे में, 7.5 घंटे में ये गाड़ी जो स्पीड वाली गाड़ी थी वो कितना दूर तक जाएगी ये निकाल सकते हैं हम लोग। तो टोटल डिस्टेंस जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 52 किलोमीटर पर आवर इंटू 7.5 को हम लोग 15/2 लिखेंगे, 200 हो गया 26, 26 × 15, 15 × 90 के 0, बाकी 9, 15 × 2 = 30, 9 = 39, 390 किलोमीटर के डिस्टेंस में दोनों गाड़ी एक दूसरे को पकड़ लेगी। तो आंसर हो जाएगा बी। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। पाइप ए टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। अब मान लो हाँ, ए कितने घंटे में भर सकता है भाई, 6 घंटे में, जबकि पाइप बी इसे 10 घंटे में भर सकता है। तो अब बताओ यहाँ पे टोटल जो हम लोग कैपेसिटी लेंगे टैंक का क्या लेंगे, 30 ले लेंगे ना, 6 × 5 = 30, 10 × 3 = 30। दोनों पाइप एक साथ खोले गए जाते, ज्ञात करें कि पाइप ए को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए कि टैंक 5 घंटे में पूरी तरह से भर जाए। देखो मान लो ये हम लोग ले लिए वर्क लाइन, क्या इसको बोलते हैं हम लोग, वर्क लाइन बोलते हैं, ठीक है। मान लो ए भी भरना चालू किया, बी भी भरना चालू किया, बीच में कहीं ना कहीं जाके हम लोग ए को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ए को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इट मीन्स बी जो है ना, शुरू से लेके बी, बी जो है हमारा वो शुरू से लेके अंत तक काम किया, और बोला जा रहा है यहाँ 5 घंटे में काम खत्म हो जाना चाहिए। तो 5 घंटे तक बी तो काम किया है ना, 5 घंटे तक अगर बी काम किया है तो बी जो है कितना काम किया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वर्क डन बाय बी। तो वर्क डन बाय बी कितना हो जाएगा बताओ, 3 का इफिशियंसी है, 5 घंटे लगे तो 15 यूनिट, मतलब 30 लीटर का अगर कैपेसिटी है तो उसमें 15 लीटर तो बी भर दिया। अगर 15 लीटर बी भरा तो 15 लीटर कौन भरेगा, ए भरेगा ना, और ए का इफिशियंसी कितना है, 5, इफिशियंसी 5 है, 15 लीटर भरना है, तो अगर 5 इफिशियंसी से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 घंटा। क्या आ जाएगा, 3 घंटा। इसका मतलब स्टार्टिंग के 3 घंटे बाद पाइप ए को बंद करना पड़ेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 numbers are in the ratio 5:12। दो नंबर है जो 5:12 के रेशियो में है। When 36 is added to each of the number, दोनों में क्या जोड़ा गया, 36, इसमें भी 36 जोड़ा गया, इसमें भी 36 जोड़ा गया, द रेशियो बिकम्स 1:2, रेशियो बिकम्स 1:2। इसको सॉल्व करने के लिए अभी मैंने जस्ट पहले बताया था, इन दोनों का डिफरेंस निकालें, कितना आ रहा है यहाँ पे, 7, इन दोनों का डिफरेंस 1, इसका मतलब इसको 7 बनाना पड़ेगा। 7 बनाने के लिए इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करो भाई, और इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पे देखो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ 5 × 12 लिख देते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 7 × 14। अब इसका डिफरेंस निकालो, ये डिफरेंस आएगा 2, इधर भी निकाल लो 2 ही आएगा। तो ये 2 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 36 के बराबर, क्योंकि 36 ही तो ऐड किया जा रहा है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18, 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया, 18। तो बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर, ये 2 नंबर है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 यूनिट। तो 7 × 18, क्योंकि 7 यूनिट का वैल्यू चाहिए ना, तो 18 × 7 = 126, सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर डेकेथॉन मॉल ने कोबरा जींस पर क्रम से 40% और 30% की 2 क्रमिक छूट दी,
जिसका अंकित मूल्य 2000 है, जिस जींस पर दी गई कुल छूट, तो इफेक्टिव डिस्काउंट जो होता है, इफेक्टिव डिस्काउंट जो होता है वो होता है ए प्लस बी माइनस ए बी बाय 100। तो यहाँ देखो 40% प्लस 30% माइनस 40 गुना 30 बाय 100, दो जीरो से दो जीरो कट ही गया, तो यहाँ हो गया 70 माइनस 12 मतलब 58% का छूट मिला। अब 2000 का 58% ही तो छूट है ना, अगर इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1160, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the following number is divisible by 36? 36 से कौन सा divisible है number? कौन सा विभाज्य है? इसको हम लोग है ना क्या करेंगे? ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। 36 से divisible होने का मतलब वो number 9 से भी cancel होना चाहिए और 4 से भी cancel होना चाहिए। 4 से divisible होने का जो divisibility rule होता है वो होता है last का दो digit जो होना चाहिए ना वो 4 से divisible होना चाहिए, right? तो देखो ये 40 से 4 से कटता है तो ये हो सकता आंसर। 42 चार से कटता है कि नहीं तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 72 चार से कटता है, कटता है 18 चौके 72, ये 4 से कटता है ये भी, मतलब इन तीनों ए सी डी में से कोई भी हो सकता है। अब 9 से कटने का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सभी डिजिट को ऐड कर दो, जो 9 से कट रहा है तो वो कट जाएगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। देखो 8 8 16 4 20, तो 20 9 से कटता है क्या? नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसको देखो 9 9 तो कटता है, 7 2 9 न कटता है, 6 2 8, 8 क्या 9 से कटता है? नहीं, ये भी गया, बचा एक ही ऑप्शन, यही ऑप्शन सही होगा। फिर भी जोड़ लेते हैं, 5 3 15 15 3 18, तो ये कट रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या, एक शंकु है, शंक्वाकार तंबू है जिसका रेडियस जो हमें क्या दिया हुआ है, 7 मीटर दिया है, और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ये ऊंचाई कितना दिया है? 24। क्या दिया हुआ है? 24। यदि प्रत्येक बैग में चावल द्वारा घेरा गया स्थान 2 मीटर क्यों है, मतलब एक छोटा छोटा बैग है मान लो इस तरह से, और हर एक में जो है ना चावल रखा गया, उस चावल का वॉल्यूम जो है कितना है? 2 मीटर क्यूब है। तो पूछा जा रहा है कि इस शंक्वाकार जो तंबू है इसमें कितने पैकेट चावल अट सकते हैं, तो इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 पैकेट, राइट? तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है भाई? 1/3 πr² × h डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 पॉकेट कितना है? 2 2 है, तो 2 से अब काट दो ना भाई। देखो 2 से कट रहा है 11 बार में, राइट? 3 से कट गया 8 बार में, ये कट गया 7 बार में। सबसे पहले 11 से 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल देखो, देख तो ये दिख रहा है 616। 11 का मल्टीपल नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, अल्टरनेट नंबर को मतलब अल्टरनेट पोजीशन के नंबर को जोड़ के घटाना है, ठीक है? तो देखो 6 5 11, 11 में से 6 गया 5, तो 5 क्या 11 और 0 से कट रहा है क्या? नहीं, 11 और 0 हुआ क्या? नहीं, 11 से कटने वाला होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, ये नहीं होगा आंसर। 7 6 13, 13 में से 1 गया 12, तो ये भी नहीं होगा आंसर। 6 और बीच में 5 आ रहा है, 6 में से 5 गया 1, ये भी नहीं आंसर होगा, तो आंसर ये होगा। फिर भी गुना भी कर सकते हो, 11 × 7 × 8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। टू कॉर्ड्स ऑफ सर्किल ए बी एंड सी डी मीट आउटसाइड द सर्किल एट ए पॉइंट पी। एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर बिंदु पी पर मिलती है। एक वृत्त पहले बना लेते हैं हम लोग, 2 जीवा भी बना लेते हैं। दोनों भाई कहां पे आके मिली ये देख लो, ये आके पी पे मिला, और जीवा मेरा क्या क्या है? ए बी है और क्या है ये? सी डी है। अब कह रहा यदि एपी बराबर 200, एपी का जो लेंथ दिया हुआ है वो क्या दिया है? 200 मीटर यहां से यहां तक, ठीक है? एंड एबी, एबी का जो लेंथ कितना दिया है? 120 मीटर, ये भी ठीक है। और सीपी बराबर 160, ये कितना दिया भाई? 160 मीटर, ठीक है? तो पूछ रहा है सीडी की लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई क्या होगी पूछ रहे, ठीक है? सीडी हम लोग बाद में देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, अगर ये पूरा ए से लेके पी तक ये 200 है, उसमें से ए बी 120 है, तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, राइट? और इसमें हम लोग पी डी को क्या मान लेते हैं? एक्स। तो इसमें फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? देखो पी बी इंटू पी ए बराबर पी डी इंटू पी सी, मतलब पी से पहले बी का डिस्टेंस इंटू पी ए, ठीक है? और उसके बाद पी से डी का डिस्टेंस इंटू पी सी, तो वही लिखे हैं। देखो पी बी हमें मालूम है कितना? 80 है। पी ए कितना मालूम है भाई? 200 है। पी डी नहीं मालूम है, पी सी 160 मालूम है। 80 × 160 दूसरे 100 बार में, तो x बराबर कितना आ गया? 100, मतलब ये जो वैल्यू आया वो 100 आया। अब इस पूरे 160 में से ये पी डी 100 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा? 60,
तो हमारा सीडी का जो वैल्यू कितना हो गया 60 मिलीमीटर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा एक्स प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू टू रूट टू। हमें निकालना क्या है एक्स टू दी पावर सिक्स माइनस वन बाय एक्स टू दी पावर सिक्स। इसके लिए हमें क्या चाहिए एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब चाहिए और एक्स क्यू माइनस वन बाय एक्स क्यू चाहिए। इसके लिए सबसे पहले एक्स माइनस वन बाय एक्स निकालना बहुत जरूरी है। वो कैसे निकलेगा देखते हैं। इसके इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो पहले। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर ये हो जाएगा दो दुना चार दुना आठ। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर बराबर सिक्स। यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ क्या एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर और प्लस प्लस टू लिख सकता हूँ कि नहीं। देखो इसको अगर सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू आएगा उसमें दो जोड़ देंगे तो ये बच जाएगा ठीक है। ये हो गया सिक्स। तो एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर बराबर फोर। एक्स माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू टू होना चाहिए प्लस माइनस टू। प्लस माइनस टू लेकिन माइनस वाला इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अगर माइनस लेंगे तो यहाँ देखो एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन वन। अगर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो ये वैल्यू बड़ा होगा और वन बाय एक्स छोटा हो जाएगा राइट। तो बड़े में छोटे घटाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा इसलिए एक्स माइनस वन बाय एक्स क्या लेना पड़ेगा हमें टू लेना पड़ेगा। अब देखो पहले एक्स माइनस वन बाय एक्स को एक्स प्लस वन बाय एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया देखो फोर रूट टू। क्या आ गया फोर रूट टू आ गया। अब अगर मैं हाँ और इसका भी यूज होगा हम लोग को तो वो देख लेते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं देखो हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई करें। इक्वेशन इसको वन मान लो इसको टू मान लो ठीक है। वन और टू को अगर मल्टीप्लाई में करता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस वन बाय एक्स लेफ्ट हैंड साइड में राइट साइड में हो जाएगा छः दुना बारह रूट टू। इसका वैल्यू निकालना है हमें एक्स क्यू प्लस वन बाय एक्स क्यू। तो ये हो जाएगा बारह रूट टू माइनस एक्स प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू कितना टू रूट टू इधर घट जाएगा। तो ये हो गया टेन रूट टू। एक चीज़ तो हमें आ गया। अब ये निकालना है ये निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग देखो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी ये आ जाएगा। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ देखो क्या आ जाएगा एक्स क्यू माइनस वन बाय एक्स क्यू आ जाएगा फिर आ जाएगा प्लस फिर एक्स को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस वन बाय एक्स हो जाएगा और इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बराबर हो जाएगा। इन दोनों को अगर मैं एक्स माइनस वन बाय एक्स कहाँ गया इधर है और राइट साइड में हमारा क्या आ जाएगा छः दुना बारह क्या आ गया बारह। तो एक्स क्यू माइनस वन बाय एक्स क्यू बराबर हो जाएगा बारह प्लस एक्स माइनस वन बाय एक्स और एक्स ठीक है ना दूना चार दूना आठ में हो गया छः। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है देखता हूँ क्या आता है। ये बारह प्लस और ये क्या आ गया हमारा टू रूट टू ठीक है। अब मैं इसे और इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा हम लोग क्या करते हैं एक्स क्यू माइनस वन बाय एक्स क्यू निकालने के लिए ये एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर है और ये एक्स प्लस वन बाय इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं क्या आता है ठीक है। इसको एक मिनट में इरेज कर देता हूँ ठीक है। तो अगर मैं इसे और इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस वन बाय एक्स क्यू ठीक है प्लस और एक्स स्क्वायर को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स इसको हो जाएगा माइनस वन बाय एक्स बराबर सॉरी वन बाय एक्स और इधर हो जाएगा चार दुना आठ आठ दुना सोलह ठीक है और एक्स क्यू माइनस वन बाय एक्स क्यू बराबर सिक्सटीन माइनस एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस वन बाय एक्स राइट। तो सिक्सटीन माइनस ये माइनस में ही आएगा इधर एक्स माइनस वन बाय एक्स का वैल्यू कितना आ चुका है दो हमारे पास आया था यहाँ दो आ जाएगा तो ये हो जाएगा चौदह क्या आ जाएगा चौदह। तो अगर मैं इसको और अब इसको मल्टीप्लाई कर दूँ ये कितना हो जाएगा चौदह गुना दस रूट टू मतलब एक सौ चालीस रूट टू हमारा एक्स टू द पावर सिक्स माइनस वन बाय एक्स टू द पावर सिक्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ठीक है। ए 50 घंटे में 150 पेज लिखता है तो ए की इफिशियंसी कितनी हो गई तीन पेज पर आवर ठीक है और बी ए और बी साथ में
ए और बी साथ में 54 घंटे में 270 पेज लिखता है, तो 270 बटे 54 करेंगे तो 5 पेज पर आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 पेज पर आर। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई, घटा दो, 2 पेज पर आर। बी जो है वो पर घंटा 2 पेज लिख सकता है। अब बोल रहा है बी द्वारा 84 पेज लिखने में कितना समय लिया जाएगा, 84 पेज और 2 पेज पर आर, तो काट दो ये, 42 घंटा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? 42 घंटा। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन जो है ना वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का, ठीक है, इसे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चे से नहीं बना होगा। देखो पहले 9 मैच में एक गेंदबाज द्वारा गेंदबाजी औसत 10.3 था, उन्होंने अगले मैच में 22 रन दिए और 4 विकेट लिए, जिससे उनके गेंदबाजी औसत में 0.3 का सुधार हो गया। सबसे पहले बॉलिंग एवरेज समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। बॉलिंग एवरेज जो होता है ना वो होता है नंबर ऑफ रन्स गिवन बाय बॉलर बाय नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर, ठीक है। मतलब एक बॉलर जो है जितना रन दिया, मान लो एक बॉलर जो है कोई मैच खेला उसमें कितने ओवर दिए उसे मतलब नहीं है, मान लो एक मैच खेला उसमें उसने 20 रन दिए हैं और उसमें 4 विकेट लिए, तो उसका एवरेज हो गया 5। उसका एवरेज क्या हो गया? 5। और अगर कोई उसी मैच में एक बॉलर ने 30 रन दिए और विकेट ले लिए कितने, उसने विकेट लिया 5, या मैं मान लेता हूँ 4 ही विकेट लिए लेकिन 30 रन दिए, ठीक है, तो इसका एवरेज कितना हो गया? 7.5, ठीक है। तो जिस बॉलर का एवरेज जितना कम होगा, बॉलिंग एवरेज जितना कम होगा, वो बॉलर उतना ही क्या होगा? अच्छा होगा। जिसका एवरेज जितना ज्यादा होगा उसका उतना ही खराब होगा, ठीक है। आइए समझते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, इसे पूछा गया है तो पहले 9 मैचों में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, तो विकेटों की संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको 2 मैट्रिक्स से बनाओगे, पहले एक्स मान के बेसिक से बता देता हूँ फिर एलिगेशन से भी बता दूंगा, ठीक है। तो मान लो कि पहले 9 मैचों में उस बंदे ने एक्स विकेट लिया था, क्या लिया था? एक्स विकेट, और एवरेज कितना था? 10.3 था। तो अगर मैं रन अगर काउंट करूँ कि उस बंदे ने पहले 9 मैचों में कितने रन दिए, ठीक है, तो रन निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका जो एवरेज था उसमें विकेटों की संख्या से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ये पहले 9 मैचों में दिया गया रन हो गया उस बंदे द्वारा, ठीक है। उसके अगले मैच में उसने कितने रन दिए? 22 रन। तो अब ये जो टोटल निकला ये क्या निकला, टोटल 10 मैचों में, टोटल 10 मैचों में दिए गए रन हो गए उस बंदे के द्वारा। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली अगर देखा जाए, जिसके बाद उनके गेंदबाजी औसत में 0.3 का सुधार हो गया। सुधार होने का मतलब क्या होता है? एवरेज घट जाना। एवरेज क्या होता है? घट जाना। पहले का एवरेज था 10.3, अब नया एवरेज क्या हो गया? 10 हो जाएगा, क्योंकि 0.3 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो नया एवरेज क्या हो गया? 10। अब नया एवरेज 10 हो गया। टोटल विकेट अगर देखा जाए, टोटल विकेट इसने कितना लिया है उन 10 मैचों में, तो पहले 9 मैचों में एक्स विकेट, बाद में कितना विकेट लिया है? 4 विकेट। तो एक्स प्लस 4 विकेट हो गया, तो ये भी हमारा टोटल रन आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इधर हो गया 10, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 10x + 40। इधर उधर भेज के देखते हैं तो ये क्या आता है, 0.3x = 18। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 60। इसका मतलब पहले 9 मैचों में उसने कितने विकेट लिए? 60। इसको अच्छे से समझ लो इस मेथड को। दूसरा एलिगेशन से भी कर सकते हो। देखो पहले का एवरेज कितना था भाई? 10.3 था ना, और अगले मैच में उसका एवरेज कितना था? 22 रन देके 4 विकेट लिए, तो 4 से 22 को डिवाइड दो तो कितना हो जाएगा? 5.5। और उसका जो न्यू एवरेज था, न्यू एवरेज कितना हो गया था? 10 हो गया था। क्यों 10 हो गया था? 10.3 में से 0.3 घटा दें, ठीक है। अब इसको घटा के देखते हैं, इधर हमारे पास क्या आ गया? 0.3, और इसको अगर घटाओगे यहाँ से तो 4.5 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट से पॉइंट उठा दो, ये हो गया 1 और ये हो गया 15:1। तो ये विकेटों का रेशियो हो गया। ये रेशियो क्या आया? रेशियो ऑफ विकेट्स। क्या आ गया? रेशियो ऑफ विकेट्स हो गया ये, ठीक है। अब देखो ये एक यूनिट जो है किसके बराबर होगा? ये 4 विकेट के होगा, 4 विकेट के बराबर, क्योंकि ये जो है ना वो लास्ट मैच है। ये क्या है? लास्ट मैच का एवरेज है, ठीक है। और लास्ट मैच में से कितने विकेट लिए थे? 4 विकेट। तो एक यूनिट बराबर कितना विकेट हो गया? 4 विकेट। तो 15 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 15 × 60 विकेट। इसका मतलब पहले 9 मैचों में उसने कितने विकेट लिए थे? 60, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैथमेटिक्स और पॉलिटी को चुनने वाले छात्रों की संख्या का योग कितना होगा? तो मैथमेटिक्स है ये हमारा 25%,
और पॉलिटी है हमारा 9%, 25 नौ 34%, 34% ऑफ 500, तो ये कितना हो जाएगा, 100 से 0 से कट गया, और 5 के 20, 5 से 15 17, 170। नेक्स्ट पे चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। 40 मैन कैन डू 50 कैन मेक 50 बल्ब्स। देखो यहाँ 40 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए 30 दिनों में 50 बल्ब बना सकते हैं, ठीक है। 36 दिनों में 110 बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त नियुक्त किए जाएंगे यदि वो प्रत्येक दिन 10 घंटे काम करते हैं। ये MDH by W वाला फॉर्मूला लगेगा, MDH by W। तो पहले कितने आदमी थे भाई, 40 आदमी थे और 30 दिनों तक काम करते थे, घंटा 9 घंटे प्रतिदिन काम करते थे, कितने बल्ब बनाते थे डेली, 50 बल्ब डेली बनता था, ठीक है। बाद में मैन की संख्या नहीं मालूम है, दिन कितने लगे थे, 36 दिन लगे थे, प्रत्येक दिन कितना घंटा काम करता था, 10, और बल्ब कितने बनाते थे, 110। सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो काट दो भाई, ये जीरो से ये जीरो काट दो, ठीक है। 5 से इसको काट दो, 5 8 40, ठीक है। 9 से इसको काट सकते हैं, 9 4 36, और 4 से इसको काट सकते हैं, 4 2 8, तो इधर बच गया 3 2 6, तो मैन की संख्या कितनी हो गई, सॉरी इधर तो कुछ बचा नहीं ना, 3 2 6 × 11 मतलब 66, 66 मैन लगेंगे। तो पूछ रहा है एक्स्ट्रा मैन कितने लगेंगे, पहले से पहले कितने मैन थे, 40 मैन तो पहले थे ही ना, तो एक्स्ट्रा मैन कितने हो गए, ये देखो एक्स्ट्रा मैन जो हो गए वो 66 - 40 मतलब 26, 26 इज द राइट आंसर, नॉट 44, नॉट 66, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो इसको सॉल्व करना है, देन व्हाट बी द वैल्यू ऑफ ए, एंगल ए का वैल्यू निकालना है, क्या होगा। देखो इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - sin²θ। यहाँ पे ना कभी कभी ये वैल्यू पुटिंग से अच्छा है कभी कभी सॉल्व कर लेना, इजी होता है। ऊपर दोनों जगह कॉस है ना, कॉस को बाहर कर लो ना भाई, कॉस थीटा बाहर आ गया। अब एलसीएम लेंगे तो इधर ऊपर हो जाएगा 1 + sin θ और इधर हो गया 1 - sin θ, बराबर इधर 4 है, देखो थीटा थीटा कट ही गया भाई, ये हो गया 2 और यहाँ बच गया cos थीटा। अच्छा 1 - sin²θ क्या होता है, cos²θ, और ये इधर हो गया 4, 2 से ये भी तो कट गया, दो बार में cos थीटा से ये भी cos थीटा तो कट गया ना एक ठो, तो इधर बच गया sec थीटा बराबर 2। sec थीटा 2 कब होता है, जब 60 डिग्री होता है, आंसर 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको सॉल्व करना है, तो एलसीएम ले लो, 3 2 6 6 आ गया, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 9a + 3b माइनस 3 2 6 2a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6b + 6 2 12b। सॉल्व करो ना, देखो 9a में से 2a गया, कितना हो गया 7a + 3b + 6b + 12 18 3 21b/6, इसमें से 7 कॉमन भी ले सकते हैं, तो a + 3b / 6, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, एक कार डीलर 1,08,500 में गाड़ी खरीदता है, ठीक है, और उस पे रख रखाव पे कुछ राशि खर्च करता है, कुछ राशि और खर्च कर दिया, तो टोटल सीपी हो गया, ये क्या हो गया सीपी। उसने इसे इतना रुपए में बेच दिया जिससे उसे 25% का लाभ हुआ, तो सीपी का ही 125% क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। 125% क्या होता है, 5/4, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एसपी, एसपी कितना है 156250। अब कैंसिल करते हैं, 5 3 15 5 5 5 2 10 25 25, इतना मल्टीप्लाई करो अब अच्छे से, 4 0 0 4 5 20 सुनना बाकी, 2 4 2 8 2 0 बाकी, 1 4 4 1 5 4 3 12, एक्स बराबर कितना होगा, घटाओ 0 0 10 में से 5 गया 5 4 14 में से 8 गया 6 1, 16,500 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा हुआ था, राइट, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक नाव धारा के विरुद्ध 36 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध 36 किलोमीटर और धारा के साथ 40 किलोमीटर चलता है, और टोटल टाइम कितना लगता है 10, टोटल टाइम कैसे निकालते हैं, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। शांत जल में 4 घंटे में नाव द्वारा तय की गई दूरी निकालना है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर, धारा की गति 2 किलोमीटर, देखो अपस्ट्रीम क्या होता है,
स्टिल वाटर में स्पीड माइनस धारा में स्पीड, धारा में स्पीड कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है यू प्लस 2, इन दोनों को जोड़ के 10 घंटे लगेगा। अब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग करेंगे, यू का जगह पे ऐसा क्या रखे जिससे कि ये 36 भी कट जाए, इसे 40 भी कट जाए। तो देखो अगर 36 किससे किससे कटता है पहले ये सोच लो, 36 कटता है 4 से, 2 से भी कटता है लेकिन बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, राइट, 2 से काटेंगे 18 ही हो जाएगा, 10 पुराना है। 4 से कटता है, 6 से कटता है, 9 से कटता है, 12 से कटता है। अगर मैं इसे 4 पुराना चाहूँ तो यू की जगह पे 6 रखना पड़ेगा, तो 6 में से 2 गया 4, तो यहाँ आ गया 9 कट के। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 6 रखूँ, 6 2 8, 8 5 40, 9 5 14 हो गया ना, तो ये नंबर नहीं होगा, 6 लाना चाहिए हमें। 6 यहाँ कैसे आएगा जब यहाँ पे मैं 8 रख दूँ, तो 8 में से 2 गया 6, 6 के 36, यहाँ 6 आ जाएगा। फिर 8 यहाँ रखूँ, 8 प्लस 2 10, 10 चौके 40, तो 6 4 10, बिल्कुल 8 से पूर रहा है। देखो 8 में रख के दिखाता हूँ, 36 अपॉन 8 माइनस 2 प्लस 40 अपॉन 8 प्लस 2, 8 में से 2 गया 6, 6 छा के 36, 8 2 10, 10 चौके 40, 6 4 10। इसका मतलब स्टिल वाटर में जो नाव का स्पीड है वो है 8 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है 4 घंटे में 9 द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, 8 चौके 32, 32। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए बस मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर कवर्ड दिस सर्टेन डिस्टेंस इन 4 आवर 36 मिनट, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बस टू कवर द सेम डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस क्या होता है भाई, स्पीड इनटू टाइम, टाइम है 4 घंटा और 36 मिनट, ठीक है, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। इसी डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा यदि स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर हो, 25 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम, इसको सॉल्व कर लो, करके देखते हैं, 36 14 60, 5 से भी कट ही जा रहा है, 2 से कट जा रहा है, तो 5 10 होती है, 6 5 के 20 3 23, तो 80 गुना 23 बटे 5 बराबर 25 गुना t, 5 से 16 5 80, 25 से इधर भागा दे देते हैं हम लोग, 25 नीचे आ जाएगा, इधर से 25 काट देते हैं, तो t बराबर हो गया 16 गुना 23 बटे 25। अगर यहाँ 25 होता तो 25 से 25 एक बार में कट जाता तो 16 आंसर आता, लेकिन यहाँ छोटा नंबर है तो 16 से कम आंसर होगा, तो ये तो नहीं होगा। अब इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है भाई, सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो 16 13 48 बाकी 4, 16 32 4 36 बटे 25, तो 25 से कम 25 11 8, 25 चौके 118, पॉइंट दिया 0 आया, तो 15 वाला भी नहीं हुआ, 14 पॉइंट समथिंग आ गया, 13 वाला भी नहीं हुआ, 14.72 आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, पूरा सॉल्व करने का हर बार जरूरी नहीं होता है। फाइंड द एवरेज ऑफ द इनकम ऑफ द गिवन पर्सन, इसका एवरेज निकालना क्या करो यार, सबको ऐड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, बहुत अटपटा नंबर नहीं है इसलिए सबको जोड़ना ईजी रहेगा, इसको सॉल्व करके कोई फायदा है नहीं, ना तो बना ही सकते हो। ये क्वेश्चन अच्छा है, एक्स और वाई दो बंदा है, यहाँ मैं इनकम लिखता हूँ, ठीक है, एक्स और वाई की मासिक आय, आय मतलब इनकम का अनुपात 5:4 है, तो ये कितना है 5:4, ये इनकम, आई फॉर इनकम, ठीक है, और उनके मासिक व्यय, व्यय मतलब हो गया एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है 9:7 है। कह रहा यदि वाई की आय, वाई की आय, वाई की आय मतलब ये 4 एक्स के व्यय के बराबर है, एक्स का व्यय, एक्स का एक्सपेंडिचर क्या है 9, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा इक्वल होगा, तो बोल रहा है एक्स और वाई की बचत का अनुपात, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाते हैं ना तो सेविंग आता है, क्या आता है सेविंग, तो घटाएंगे डायरेक्टली नहीं घटा सकते, पहले उनको बराबर तो करना पड़ेगा, तो 9 और 4 का एलसीएम कितना होता है 36, इसका मतलब इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 9 5 45 और 9 4 36, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 7 4 28। अब इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हो चुका है, राइट, ये घटाओ 9 आ गया, 16 में से 8 गया 8, 9:8 आंसर फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन देखो, 10,000 की राशि है, कितनी की राशि है भाई 10,000 की राशि है, 23 बटे 9 वर्ष, 23 बटे 9 वर्ष को हम लिख सकते हैं 2 पूर्णांक 9 18 5 23, 2 पूर्णांक 5 बटे 9 ईयर, ठीक है, और 18% आर कितना दिया हुआ है हमारा 18%, 18% क्या होता है 18/100, तो शुरू में 2 साल के लिए 18% लगेगा, और आखिरी साल जो है तीसरा साल में जब एंट्री करेंगे तो वहाँ 5.9, मतलब उस समय रेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18% का, 5/9, 9 × 18 मतलब ये कितना हो गया 10%, तो तीसरा साल में पूरा 18% नहीं लग रहा है, 10% के हिसाब से बनेगा उसका ब्याज,
तो इसको ट्री मेथड से मैं बनाऊंगा। तो पहले 2 साल के लिए 18% से अगर मैं देखा जाऊँ, 18 बाय 100 कितना हो जाएगा, 1800 पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 1800, और 1800 का 18% हो जाएगा 324, तीसरे साल के लिए 10% है, तो 10,000 का 10% कितना होता है 1,000, 1800 का 10% कितना होगा 180, फिर इस 1800 का 10% कितना होगा 180, फिर 324 का 10% कितना होगा 32.4, सबको ऐड करना पड़ेगा ठीक है। तो 18 18 36 36 और 1000 4600, तो यही हो गया। फिर 324 यहाँ आ गया, फिर 180 180 360 इधर हो गया, और ये 32.4 इधर हो गया। तो 0.4 इधर हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 2 8 3 11 के एक बाकी एक हो गया, 6 1 7 3 10 3 13 के 3 बाकी एक हो गया, 5 3 1 6। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ काफी ज्यादा शेयर करें, जिससे कि इस थोड़ी सी चैनल को बूस्ट मिल जाए। मैं आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, और आप लोग को ये जो मेथड मैंने जो भी बताया वो काफी लेंदी लगा, काफी शॉर्ट लगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं आपको किस तरह का मेथड चाहिए, मैं शॉर्ट ट्रिक ज्यादा ऐड करूँ या थोड़ा और बेसिक बताऊँ, तो अपना आप राय दे सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।